हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीए फाइनल ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे, वस्त्र विज्ञान। इसमें हमारा वही टॉपिक कंटिन्यू रहेगा जो हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, परिधान के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व, कि वो कौन कौन से तत्व होते हैं जब हम परिधान को चुन रहे होते हैं तो वो हमारे हमें प्रभावित करते हैं। उसे कुछ हेडिंग्स थी वो मैंने पिछली क्लास में हमने पढ़ ली थी। इस हेडिंग को मैं एक बार रिपीट करके आपको बता देती हूँ। फर्स्ट हेडिंग थी जनसंख्या पॉपुलेशन, सेकंड आय में वृद्धि इंक्रीज इनकम, थर्ड थी पारिवारिक गतिशीलता फैमिली मोबिलिटी, फोर्थ हेडिंग स्त्रियों की स्थिति स्टेटस ऑफ वुमेन, फिफ्थ हेडिंग थी आवास में परिवर्तन हाउसिंग चेंजेस, और सिक्स्थ हेडिंग लिखवाई थी पारिवारिक स्थिति और व्यवसाय फैमिली लोकेशन एंड ऑक्यूपेशन, और सेवन्थ हेडिंग थी पारिवारिक चक्र फैमिली साइकिल। अब हमें एट्थ हेडिंग इसकी लिखनी है आगे की, जो आज की हमारी न्यू हेडिंग रहेगी वह उपभोक्ता साख कंज्यूमर क्रेडिट। इसमें लिखेंगे उपभोक्ता साख का उपयोग, उपभोक्ता साख का उपयोग जीवन के नए तरीके से जीने हेतु कई दशकों के से अवसर प्रदान कर रहा है। विभिन्न वस्तुएं पैसा ना होने पर भी खरीदी जा सकती हैं। जीवन का यह नया तरीका अर्थात आज खरीदो और कल पैसा दो, बाइंग टुडे पेइंग टुमारो के कारण धन के उपयोग की पुरानी अभिव्यक्तियों में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। इसके कारण आज उपभोक्ता हेतु परिधानों का चुनाव भी संभव हो गया है। नाइन्थ हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग रहेगी शारीरिक आवश्यकता फिजिकली नीड्स। इसमें लिखेंगे भोजन और मकान की आवश्यकता से परिधान की शारीरिक आवश्यकता के महत्व को स्थापित करना व मूल्यांकन करना अधिक महत्वपूर्ण है। शारीरिक आवश्यकताओं को संतुष्टि प्राप्त प्रदान करने हेतु परिधान के कुछ उद्देश्य होते हैं, जो इसमें पॉइंट्स में लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में वस्त्र शरीर को गर्मी में ठंडा और ठंड में गर्म रखते हैं। सेकंड पॉइंट, गर्मी के दिनों में धूप की गर्मी की जलन में सुरक्षा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बरसात के मौसम में आर्द्रता और गीलेपन से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। फोर्थ पॉइंट में उपयुक्त फिटिंग के वस्त्र व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाते हैं। लास्ट के फिफ्थ पॉइंट में कुछ वस्त्र या उपवस्त्र जो व्यक्ति को पहनने के बाद तकलीफ देते हैं, जैसे व्यक्ति के जूते काटते हैं, कमर की बेल्ट से सांस लेने में आसानी ना हो और स्कर्ट सकरा होने पर चलने में तकलीफ देने वाले वस्त्रों से व्यक्ति को खुशी नहीं मिलती है बल्कि उसकी परेशानी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कुछ बालक जो वृद्धि एवं विकास की अवस्था से गुजर रहे होते हैं तो अनुपयुक्त वस्त्रों के कारण उनकी शारीरिक बनावट में अंतर तक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे सिक्स सेवन पॉइंट में कुछ, एट पॉइंट रहेगा कुछ विशेष कार्य करने हेतु
विशेष प्रकार के वस्त्रों की आवश्यकता होती है जिससे कार्य करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये हमारी 9th जो हेडिंग थी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट 10th हेडिंग रहेगी मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक मूल, फिजिकल एंड सोशल वैल्यूज। इसमें लिखेंगे अधिकतर संस्कृतियों में लंबे समय से यह माना जाता रहा है कि अच्छे वस्त्रों को पहनना गर्मी और सुरक्षा हेतु वस्त्र पहनने से अधिक महत्वपूर्ण होता है। वह परिधान जो समूह द्वारा स्वीकार किए जाते हैं अत्यधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। परिधान का सामाजिक स्थिति से गहरा संबंध होता है। यह ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार परिधान और नौकरी में व प्रतिष्ठा और अच्छी आय में संबंध होता है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे इंटरव्यू के समय या अन्य किसी प्रत्यक्ष संपर्क में परिधान विशेष भूमिका निभाता है क्योंकि परिधान का ही सामने वाले व्यक्ति पर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कई बार उपयुक्त वस्त्र व्यक्ति को नौकरी दिलाने या बनाए रखने में सहायक होते हैं जबकि इसके विपरीत अनुपयुक्त वस्त्र नौकरी के अवसर गंवाने तथा नौकरी छूट जाने का कारण भी होते हैं। समुदाय में उपयुक्त स्थान पाने के लिए उपयुक्त वस्त्र सहायक भी होते हैं। जब माताएं क्लब, धार्मिक व सामाजिक समारोह में, घर में और पिता खेल कूद, ऑफिस व व्यवसाय में, इसी प्रकार बच्चे स्कूल, पार्टी और खेल कूद में उचित वस्त्र ग्रहण करते हैं तो परिवार की अच्छी स्थिति की पहचान समुदाय में बनती है। समुदाय में परिवार का प्रभाव उत्पन्न करने में अच्छे वस्त्रों को पहनाने की आदत ही सहायक होती है। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक परिवार का लक्ष्य उत्तम वस्त्रों का चुनाव होना चाहिए। एक तरफ तो वस्त्र व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव उत्पन्न करने में सहायक होते हैं और दूसरी तरफ वस्त्र व्यक्तिगत सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। व्यक्तिगत व्यक्ति के परिधान और व्यक्तिगत सुरक्षा में संबंध कई बार देखने को भी मिलते हैं। अच्छे वस्त्र पहनने वाले व्यक्ति सामाजिक कार्यों में अधिक योगदान भी देते हैं। इस प्रकार वस्त्र इच्छित सामाजिक लक्ष्य प्राप्त करने हेतु महत्वपूर्ण होते हैं। अच्छे वस्त्रों का चुनाव व अच्छी तरह पहने गए वस्त्र काल्पनिक सुंदरता प्रदान करते हैं। इसके विपरीत खराब वस्त्र सुंदरता को खो देते हैं। संभवतः प्रत्येक व्यक्ति सुंदर तो नहीं होता परंतु हर व्यक्ति यदि वस्त्र के चयन पर ध्यान दे तो हर व्यक्ति अच्छा दिखाई देता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे परिधान की कुछ बातें व्यक्ति के व्यवहार से भी जुड़ी होती हैं। व्यक्ति जिस प्रकार के वस्त्र परिधान पहनता है उसका व्यवहार भी
उसी के अनुरूप होता है। यह देखा गया है कि जिसके परिधान उपयुक्त व स्वच्छ होते हैं वह मानसिक रूप में स्थिर होता है। नेक्स्ट 11th हेडिंग लिखेंगे, परिधान की दार्शनिकता, फिलॉसफी ऑफ क्लॉथिंग। इसमें लिखेंगे परिवार पर परिधान की दार्शनिकता भी प्रभाव डालती है। कुछ परिवारों हेतु परिधान का मुख्य उद्देश्य शरीर की सुरक्षा होता है और संस्कृति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जबकि अन्य व्यक्तियों के लिए परिधान एक कला है और व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम भी है। ऐसे व्यक्ति परिधान के संबंध में अध्ययन करके प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाते हैं। व्यक्ति सभी स्थानों पर व्यवहार की उन अभिव्यक्तियों एवं पैटर्न के अनुरूप व्यवहार करता है जो कि उसने उसके वृद्धि होने के समय में सीखा था। यही उसका जीवन दर्शन होता है। व्यक्ति के मूल्य भी इस पर विशेष प्रभाव डालते हैं। जो हमारी इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग है वही रहेगी अभिवृत्तियाँ, एटीट्यूड्स। तो इसमें लिखेंगे परिधान के संबंध में कई आधारभूत अभिवृत्तियाँ होती हैं जो कि भौतिक पृष्ठभूमि, आर्थिक स्थिति, तकनीकी फैशन का ज्ञान और फैशन में व्यावसायिक रुचि आदि से प्रभावित होती हैं। ये विभिन्न अभिवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं। तो इसमें पॉइंट्स में आएगा, फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे आराम की इच्छा, सेकंड पॉइंट निश्चितता की इच्छा, थर्ड पॉइंट में लिखेंगे आत्मभिव्यक्ति की इच्छा, फिफ्थ पॉइंट कलात्मक अभिरुचि की संतुष्टि की इच्छा, फिफ्थ पॉइंट सामाजिक कार्यों में भाग लेने की इच्छा, और लास्ट पॉइंट सिक्स रहेगा प्रतिष्ठा की इच्छा। तो ये हो गई अभिवृत्तियाँ की हेडिंग्स कंप्लीट। ये चैप्टर यहीं क्लोज होता है।